आपको दिखाते हैं कि कैसे गाजियाबाद में आज भी दर्ज है स्वतंत्रता संग्राम की सेनानियों की यादें। एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ये दिल्ली से सटा गाजियाबाद है, जहां वीरता की गाथा बयां करती कई यादें आज भी मौजूद है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिंडन विहार इलाके में वो जगह जहां अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों में भीषण लड़ाई हुई थी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने चुन चुन कर अंग्रेजों को शिकस्त दी थी। जो अंग्रेजी सेना है वह मेरठ से निकल चुकी थी और गाजियाबाद के क्रांतिकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया था, जिसके बाद दो दिन तक उन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सेना को वहां रोके रखा और अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उस समय हमारे भी कुछ क्रांतिवीर शहीद हुए थे। जहां पर प्रतिचिन्ह लगे हुए हैं अंग्रेजों के, यह वह कब्र है 1857 की क्रांति का प्रतिचिन्ह है, जो कि अंग्रेजी सेना ने, अंग्रेजी अफसरों ने यहां पर लगाया है, जो गाजियाबाद के हिंडन नदी किनारे हिंडन विहार में बना हुआ है। अपने अफसरों और सैनिकों की याद में अंग्रेजों ने यहां एक स्मारक भी बनवाया था, जो आज भी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है। यहां अंग्रेजों की कुछ कब्रें भी हैं, जिन पर मारे गए अंग्रेजों के नाम खुदे हैं। ये स्मारक बेशक आज बदहाल हालत में है, मगर फिर भी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी बयां करने में आज भी सक्षम है। 1857 की जो निशानियां हैं उनमें से एक निशानी ये भी है। जाहिर है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम अपने शहीदों को याद कर सकें, लेकिन उन लोगों के माध्यम से जिनको हमारे लोगों ने मारा, जिनको कत्ल किया, उनको तो कम से कम हम संजो ही सकते हैं। इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इसको अपनी चिन्हित जगह करके इसको सर्वे के लिए रोका है। 1857 की क्रांति का बिगुल बजने के बाद अंग्रेजी सेना मेरठ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। मकसद था क्रांतिकारियों को घेरना, पर क्रांतिवीरों ने अंग्रेजी सेना को हिंडन नदी पर घेर लिया और अंग्रेजों के साथ दो दिन तक भीषण युद्ध किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। ये वही हिंडन नदी है, उस दौरान जिस दौरान यहाँ पर युद्ध हुआ था, तो बताया यह जाता है कि इस नदी का पानी भी लाल हो गया था, यानी कि सैकड़ों लोग यहाँ पर मारे गए थे, जिसमें काफ़ी तादाद में अंग्रेजी सैनिक थे और हमारे क्रांतिकारियों को शहादत प्राप्त हुई थी। तो इस हिंडन नदी को आप देख रहे हैं, जिस हिंडन नदी का पानी लाल हो गया था। देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।